हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं इस समय पहुंच चुका हूं प्राचीन शिव मंदिर, वहां लोगों को आपको दर्शन कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे भैया हैं, भैया जी यहां पर टेडी बियर की दुकान लगा रखे हैं। यहां पर देखिए कितनी अच्छे अच्छे टेडी बियर है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये भैया हैं, भैया के पास इतना पैसा नहीं है कि कहीं पर शॉप कर लें, दुकान पर अपना भाड़ा दे सकें। यहाँ भाड़ा ही इतना महंगा है, यहाँ किराए पर रहना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ प्राचीन शिव मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं गेट पे खड़ा हूँ, आप लोगों को अभी अंदर की चीज़ दिखाऊंगा। अभी मैं चल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। अभी आप लोगों को पूरा सीन दिखाऊंगा, यहाँ की क्लियरिटी देख सकते हैं। प्राचीन शिव मंदिर है जो भास्कर तालाब ग्राम केसरीपुर वाराणसी में है, आप लोग को दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए यहाँ की गार्डन कितनी है, यहाँ का व्यवस्था देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, देख लीजिए मेरे सामने की व्यवस्था है। कहा जाता है कि अगर आपको बनारस आना है तो कैंट से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा, 8 किलोमीटर दूरी से पड़ेगा, भुल्लनपुर PSC कैंट से होकर आपको आना पड़ेगा। आप इस समय देख सकते हैं, मैं भी अपना जूता उधर निकाल के अंदर जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति जूता पहन के नहीं अंदर जा सकता है, और दर्शन करना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे साथ में है अवनीश भाई, अवनीश भाई का भी YouTube पे चैनल चलता है अवनीश ब्लॉग्स के नाम से। भाई के चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो देखें तो उसको लाइक करें। आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, इस समय देख लीजिए मेरे पीछे तालाब भी है, तालाब में यहाँ कमल भी खिलता है और बत्तख भी रहती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए अंदर। आप लोगों को भी लाइव दिखाऊंगा और दर्शन, यहाँ पे आप लोग आए तो दर्शन करना ना भूलें। ये देखिए यहाँ के पुजारी बाबा जी हैं, बाबा जी पाए लागू, बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, बाबा जी से आशीर्वाद। हम इस समय आप लोगों को दर्शन कराएंगे, इस समय मैं चौकट पे हूँ। आप भी देखिए यहाँ पे, देख लीजिए सबसे प्राचीन मंदिर हम लोग आ चुके हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर आए, थोड़ी जगह की फोटो भी लगी हुई है। लीजिए आप लोगों को मैं लाइव दर्शन दिखा रहा हूँ, जो लोग भाई नहीं आए वो लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है महाशिवरात्रि के दिन, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी लाइन लगाना पड़ेगा। देख लीजिए और लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, क्योंकि भाई प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर दान पेट का भी है। जो लोग आए दिखाओ,
आप लोगों को मैं अब दिखा ही चुका हूँ, दर्शन भी करा चुका हूँ लाइव। यहाँ पर अगर आप लोग बनारस आ रहे हैं तो यहाँ पर आए, दर्शन पाए, आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी। निःशुल्क सेवा है यहाँ पर, निःशुल्क निःशुल्क सेवा है, रहने और खाने की व्यवस्था भी है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर भी लगा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए। काफ़ी क्लियरिटी है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई को ध्यान रखते हुए किया गया है। आप लोगों को मैं अब तालाब का सीन दिखाऊंगा, ये देख लो, देख सकते हैं आप लोग। देखिए तालाब काफ़ी गहरा है, अभी हम पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। फाइनली आप लोगों को मैं दर्शन करा ही चुका हूँ, आप लोग जान ही रहे हैं, अभी दिखा ही चुका हूँ। अमनीश भाई सामने, अमनीश भाई का भी दर्शन हो चुका है। अमनीश भाई दर्शन करके कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत अच्छी क्लियरिटी है यहाँ पर, साफ सफाई का काफ़ी हमें व्यवस्था देखने को मिल रही है यहाँ पर। सब लोग अपने दोस्त, हम लोग 3 किलोमीटर से पैदल आए थे दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर जब आए थे तो थक चुके थे, काफ़ी थके हुए थे। यहाँ आने के बाद जब दर्शन हो गया तो सब थकान दूर हो गई, भोले नाथ के चरणों में सुकून मिलता है दिल को जब कोई काम सफल होता है दिल को। तो मैं इतना इसमें खुशी हूँ ना, आप लोगों को बता नहीं सकता। आप लोग देख ही रहेंगे मेरे चेहरे की मुस्कान देख के, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हम लोग कितने खुश हैं। मनीष भाई भी दर्शन काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं ना, बताइए यहाँ पर मनीष भाई दर्शन करके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अपने रूम की ओर रवानगी करेंगे, दर्शन कर ही लिए हैं, यहाँ से अब पसाव साथ भी लेंगे और चलेंगे हम लोग भी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है।